अपनी ट्रिक नंबर 10 वर्क करने वाली है क्रॉस रोड पे। और अगर आपने ये ट्रिक यूज कर ली तो आपकी स्क्वाड में बस यही सुनने को मिलेगा भाई अकेले गेम जीता देगा, कि मतलब इतने सारे किल मिलने वाले अगर आप यहाँ पे चढ़ गए तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चढ़ गए उसके बाद किल की टेंशन तो करना मत, क्योंकि आप पूरी स्क्वाड खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नोटिस करने नहीं वाला है। बस आपको इधर चढ़ते हुए आपको इस ग्लू वॉल पे जंप करके आपको इधर आ जाना है, इसके बाद आपको यहाँ लेट जाना है। सामने एक बंदे को मैंने डैमेज दिया भाई, बॉडी में मर गया बंदा, कवर में भी नहीं आ रहा था। और लेफ्ट वाले बंदे को तो क्या ही रेड नंबर पड़ा है भाई, इसको कंफर्म कर देते हैं वरना ये रिवाइव वाला सिस्टम चलता रहेगा। और भाई ये राइट साइड में रिवाइव करने भी आ चुका है बंदा, और भाई ये रिवाइव कर दिया भाई। मेरे पास एक फ्लैश फ्रीज भी तो है, हाँ इसके ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंकूंगा तो 20 के डैमेज पे नॉक हो जाए भाई। वो बंदा कहाँ चलेगा जिसको नॉक करा था भाई, राइट साइड में चलेगा तो जब भी तो डैमेज नहीं आया है। और भाई ये बंदा अरे भाई पीछे वाले भी बंदे को हेडशॉट पड़ चुका है भाई, क्या ही रेड नंबर पड़ा है देख रहे हो। बस दो बंदे बचे भाई क्वार्टर पे, उसको भी रिवाइव करने आ रहा है भाई। सारे बंदे का रिवाइव करने का झंझट इसने लेके रखा है क्या, मतलब इसको काम दे दिया है कि रिवाइव करते रहना भाई। लास्ट बंदा बचा है, अगर इसको मार दूंगा भाई क्वार्टरा किल हो जाएगा। और यहाँ पे अपना ट्रिपल किल का साउंड भी आ चुका है भाई, क्वार्टरा किल कर दूंगा तो भाई वीडियो का लाइक करना। तो बंदा भाई रश कर देता है और ये बंदे को भाई बहुत गंदा डैमेज आ रहा है भाई, एक ही का क्या ही खतरनाक डैमेज आ रहा है। तो लाइक करना बनता है। अपनी ट्रिक नंबर 9 वर्क करने वाली है अपनी फोर्ज वाली लोकेशन पे। बस इसके लिए आपको एक लॉन्ग रेंज की गन या शॉर्ट रेंज की कोई सी भी गन लेके आ सकते हो, और एक साथ में ग्लू वॉल लेके आना भाई। एक जो छोड़ो 5 ग्लू वॉल लेके आ रहा हूँ इधर में, और आपको बस एक ग्लू वॉल कुछ ऐसे लगा देना है टावर के एकदम जस्ट एकदम ऐसे, जिससे आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो। मतलब आपको चढ़ना किसे, आपको इसके ऊपर जंप करना है, उसके बाद आप इस ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको ट्रिक क्या होगी भाई, इतनी कमाल की ट्रिक है भाई आपको पता नहीं। लेफ्ट वाले बंदे को मैंने क्या डैमेज दिया भाई, वो स्नाइपर चला था उधर बैठे बैठे भाई, उसको तो मैंने खत्म कर दिया। सामने बंदे को मार तो रहा हूँ लेकिन एम नहीं आ रहा, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ग्रेनेड वाली चीज भी तो है। और जैसे एलविश भाई के सामने कोई बोल नहीं सकता, वैसे मेरे ग्रेनेड के सामने कोई बच नहीं सकता। और इसी सामने भुइया भी हो चुका है भाई, क्या एक कमाल का भुइया हुआ है ना, मतलब इधर से मेरे को एक गोली तक नहीं पड़ी है और ये भुइया हो चुका है। ट्रिक नंबर 8 अपनी वर्क करने वाली है अपनी फैक्ट्री जैसे सस्ती लोकेशन पर लेम्बर मिल पे वर्क करने वाली है। और अपने को एक करना क्या है, एक ग्लू वॉल की जरूरत पड़ेगी, कुछ एक कंटेनर के बीच में लगा देना है टावर और कंटेनर के बीच में। उसके बाद आपको इस पे जंप कर देना है टावर पे, टावर के ऊपर जंप करके आप इसके ऊपर आ सकते हो कंटेनर के पास में। और यहाँ पे आने के बाद देखो रेड एम आ रहा है लेकिन बंदों को लोकेशन नहीं दिखेगी भाई, यही तो ट्रिक का फायदा है। और इसी को यूज करके आप आसानी से अपनी रैंक पुश कर सकते हो भाई। मेरे इसमें तो पर गेटम बहुत कम आता है, कि आपके इसमें ज्यादा आता है तो मुझे बताना भाई। वैसे तो मेरा सारे मैप डाउनलोड है लेकिन पता नहीं पर गेटम बहुत ही कम आता है। ट्रिक नंबर 7 वर्क करने वाली ब्राजीलिया पे। और ये वाली लोकेशन पे अगर आप आ गए तो भाई मतलब आपको कोई बंदा देखेगा भी नहीं, मतलब इतना प्यारा कवर दे सकते हो। बस आपको इस विंडो के ऊपर जंप करना है, सामने घर के ऊपर जंप कर देना है, छोटी सी जंप करना है, यहाँ पे आ ही जाओगे। सामने लंबी सी जंप करना पड़ेगी, अब तो बहुत दूर करे लेकिन पहुंच जाओगे। देखो बिना कैदी के मैं इधर आ चुका हूँ। और लेफ्ट साइड से एक बंदा फ्लाइंग करते हुए आ रहा है, और मुझे नहीं लग रहा इसका ग्लू वॉल था भाई, इसको तो मैंने नॉक कर दिया। राइट साइड में एक बंदा वुकोंग बना भाई, ग्लू वॉल भी लगा लिया भाई, सब लेके बैठा हुआ है, इसका ग्लू वॉल तोड़ते हैं। इसके बाद इस बंदे को भाई पीछे भागेगा, पहले नहीं भागा भाई, वुकोंग बन के भाई पीछे निकल रहा था भाई। सोनिया भी बन गया भाई, सभी सोनिया लेके खेलते भाई, मैं सोनिया लेके नहीं खेलता हूँ। इसी बात पे वीडियो को लाइक करना बनता है यार, नहीं कर रहा हो तो भाई कर दिया करो भाई, हर बार याद दिलाना पड़ता है। लेफ्ट वाले को क्लियर करके मैं जैसे ही नीचे आया भाई, ये राउंड तो विक्ट्री हो चुका है। चलो नेक्स्ट लोकेशन की ओर चलते हैं। अपनी ट्रिक नंबर 6 वर करने वाली मौत हाउस भाई, क्या लोकेशन का नाम है भाई आप ही देख लेना। और इसके लिए आपको एक टीममेट की जरूरत पड़ेगी भाई, अभी तक मैंने विदाउट टीममेट बताई है, और इसमें टीममेट की जरूरत पड़ेगी तो भाई यह ट्रिक भी बहुत ही ओपी होने वाली, मतलब जहर ट्रिक होने वाली है। आपको एक टीममेट को लेके आ जाना है, इधर खड़ा कराना है आपको लेफ्ट साइड में, और इधर दो ग्लू वॉल को जैसे लगा देना, सामने खड़ा करा देना भाई, बंदा बैठ के कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी चढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप चढ़ कभी देख रहे हो कहाँ पे चढ़ाऊँ भाई, ये वाली लोकेशन पे एक ट्रिक और बताऊंगा भाई, उसके लिए वेट करो। और इधर हमारा भुइया हो चुका, बंदे ने क्वार्टरा कर दिया। ट्रिक नंबर 5 अपनी वर्क करने वाली है क्रॉस रोड पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाली है, क्योंकि वो वाले डायरेक्शन में तो आप जीत जाओगे लेकिन इस साइड से कैसे जीतोगे। तो भाई इसके लिए भी कमाल की ट्रिक बता रहा हूँ, बस आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। इसके ऊपर चढ़ने के बाद जो स्टिक से भाई ये साइड में बंदा आ रहा है उसको बिल्कुल लोकेशन का पता नहीं है, इसके बाद इसको कन्फर्म करके आपको जो स्टिक का यूज करना है और जंप कर देना है इसके पास में। अब यहाँ पे आ जाओगे तो आप आसानी से सारे बंदों को मार सकते हो। सामने बंदे ने डैमेज दिया और भाई मैं नीचे गिर के कोई बात नहीं, वापस जा सकते हो। इसके ऊपर जंप कर देना वापस से, और इसके ऊपर यहाँ से डायरेक्ट जंप करके इधर आना है। इसके बाद जॉयस्टिक का यूज़ करके आपको इसके ऊपर जंप कर देना है लेफ्ट में। और यहाँ पे बंदा एक जैसे खड़ा हुआ है, एकदम सीधे खड़ा हुआ है, चलो इसका हेड लेके खत्म करते हैं। और हाँ अपने कमेंट में स्टेट का नाम बताना, आप कौन सी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो,
देखा तो सर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देखी आती है भाई, इसको मैं वापस से नॉक कर दिया, इसको किल भी कंफर्म हो गया। लास्ट वाला बंदा राइट साइड में भाई, इसको तो मेरे टीममेट ने मार दिया। चलो ये विक्ट्री तो हो गया, चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 4 अपनी वर्क करने वाली है ब्राजीलिया वाली लोकेशन पे, और भाई ये वाली ट्रिक मेरी पर्सनली फेवरेट ट्रिक होने वाली है, क्योंकि अगर आपने ये ट्रिक यूज कर ली तो भाई 99% आपका ही विनिंग रेट होने वाला है, मतलब विन रेट 100% आप ही जीतने वाले ये राउंड। और आपको एक टीममेट को बिठा देना है, इसके ऊपर चढ़ जाना है, और यहाँ पे आके आपको पूरा कवर देखने को मिलता है। राइट साइड में बंदा दिख रहा है ना, वो उसको तो भाई मैं दिख भी नहीं रहूंगा भाई, एकदम ब्लीच वायर जिसे भी आप मार सकते थे बैठ के, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था, उसने मेरे को तो मैंने आसानी से मार दिया भाई। 1v3 सिचुएशन हो गई है भाई, सारे बंदे नॉक हो गए भाई, कौन अच्छी इमोजी भेज रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो 1v3 निकाल पाता हूँ, क्योंकि भाई 116 का हेडशॉट मारा है, ले इसको कंफर्म करते, नहीं तो भाई ये अगर रिवाइव हो गया ना भाई मेरे को दिक्कत आने वाली है भाई। 1v2, अरे लेफ्ट में एक और बंदा देखने को मिला, और इसको तो हेड ही नहीं पड़ रहा भाई, क्या हो गया वो, ये ग्रेनेड करने वाला भाई कौन है, तो प्रो प्लेयर भाई, इसको कंफर्म करते हैं भाई। इधर ट्रिपल किल हो चुका है, लास्ट वाले बंदे को मार दूंगा तो कॉल्ड्रा हो जाएगा, भी मतलब बंदा मिल ही नहीं रहा था भाई, इतनी देर तक वेट करा ना, जब जाके बंदा मिला तो मिला कहाँ पर, एकदम मेरे पैरों के नीचे खड़ा हुआ, एकदम शांति से इसको हेडशॉट मार दिया, और भाई कॉल्ड्रा के लिए भी मैंने ले लिया। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। अपनी ट्रिक नंबर 3 वर्क करने वाली है ब्राजीलिया पे, लेकिन अपोजिट साइड से, क्योंकि अगर उस साइड आपका राउंड लिया है इस साइड का आके तो क्या करोगे, आपको एक लोअर विंडो के ऊपर कुछ ऐसे लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, एकदम ऐसे लगाना है। इसके बाद करोगे क्या, आपको उस वाले रूम पे जाना है जहाँ पे आपने ग्लू होल लगाया था, ये राइट साइड वाले ग्लू होल, मतलब इसके ऊपर चढ़ना है, और भाई सही से जंप नहीं, थोड़ी सी पीछे आके जंप करेंगे भाई, अब सही स्टार्ट हुई है। अब सामने वाले घर के ऊपर जंप कर दोगे तो भाई पूरी साइड देख सकते हो, यहाँ पे वैसे जोन तो बहुत देर में आता है, लेकिन भाई मुझे कोई दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा वीडियो पूरी कट कर दी, इसलिए जोन छप दिया गया। ट्रिक नंबर 2 अपनी वर्क करने वाली है मुआ थाउस, पता नहीं क्या है यार, प्रोनाउंस सही से करते नहीं आ रहे, वैसे तो मैंने शायद सही प्रोनाउंस करा है। बाकी आपको 3 ग्लू होल लगेंगे कोई ट्रिक के लिए, आपको करना है एकदम परफेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर आपका थोड़ा सा भी ग्लू होल ज्यादा ऊपर हो गया ना तो भाई आपके सारे ग्लू होल भी वेस्ट हो जाएंगे, और ये राउंड भी हार जाओगे, क्योंकि मेरे पास दोनों लॉन्ग रेंज की गन है, तो भाई जो करना है भाई कवर देने का अच्छे से काम करना पड़ेगा, वरना ये राउंड हार गए तो भाई दिक्कत आ जाएगी। और इस घर के ऊपर चढ़ जाना है, इस घर का नाम क्या भाई अगर आपको पता हो तो बताना, क्योंकि मुझे ये नाम नहीं पता इस घर का, वैसे क्लॉकटर पे भी यही वाला घर है, नाम नहीं पता वैसे। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और बाकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, इसी और वीडियो देखनी हो तो। भाई सामने बंदा देखने को मिला, इसको तो मैंने मार दिया, इसको सोनिया चार्ज हो गया, और सोनिया के बाद हर बार की तरह किल चोरी होता है भाई, वही वाला सीन हो चुका है। और परगेटरी में मैं बताऊँ एक चीज बताता हूँ, मतलब कि क्या चीज है, मतलब ये जोन इनविजिबल क्यों दिखता है, जोन नहीं दिखता मुझे हमेशा, मतलब मर जाता हूँ। चलो फाइनल ट्रिक की ओर चलते हैं, ट्रिक नंबर 1 अपनी ऊपर करने वाली ब्राजीलिया पे, सबसे फेवरेट ट्रिक होने वाली, क्योंकि ब्राजीलिया जब भी राउंड आता है ना ये, मैं हमेशा ये ट्रिक यूज करता हूँ, बस इसको दूसरे टाइप से यूज करता हूँ। अगर आपको वाली ट्रिक जाननी हो तो राइट साइड के टॉप पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, उसके अंदर मैंने वाली ट्रिक बताई, सबसे इजी ट्रिक है इस वाली जगह पर चढ़ने के लिए, वो भी एक ग्लू होल से चढ़ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद देखो इधर पूरे, मतलब कि मतलब सामने वाले बंदे को इधर आने ही नहीं दोगे, इतनी प्यारी ट्रिक होने वाली है। देखो लेफ्ट साइड में वो दूर में बंदा है, उसको भी मैंने हेडशॉट मार दिया, चलो एक दो गोली में तो वही नॉक हो चुका है। बाकी इसी और वीडियो देखनी हो CS रैंक की तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, BR रैंक की ट्रिक देखनी हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।